हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार ओझा है और आर ओझा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आपको पेपर क्राफ्ट बताता हूँ, हाउ टू मेक पेपर क्राफ्ट रोज विद पेपर। आप इस तरह का पेपर रोज कैसे बनाते हैं, चलिए चलते हैं, आपको इस तरह का पेपर रोज बना के दिखाता हूँ। आगे तक बने रहिए इस वीडियो में कि आपको किस तरह से पेपर रोज बनाना है। चलिए चलते हैं, इसको सीखते हैं। सबसे पहले हमने ऐसे चकोर पेपर ले लेना है और इसमें बीच में से ऐसे फोल्ड कर देना है। फिर दूसरी तरफ से इस तरह का फोल्ड ले लेना है। दोनों तरफ ऐसे बीच में फोल्ड हो गया और इस तरह को इसको इसमें बीच में फोल्ड कर लेना है। ये अपना पेपर ये फोल्ड हो गया ये। फिर इस तरह से फिर एक फोल्ड ले लेना है, दूसरी तरफ से फिर इस तरह का फोल्ड ले लेना है। फिर बैक करके फिर इस तरह का फोल्ड फिर दोबारा ले लेना है और ये चौथा फोल्ड भी फिर दोबारा इस तरह का हमने ले लेना है। क्या बता रहा हूँ, हमने ये फोल्ड ले लिया, फिर दोबारा हमने फिर ये ऐसे फोल्ड ले लिया है और इसको इसके अंदर हमने बड़ी बड़ी अच्छे से फिक्स कर देना है। चाहे तो आप इसको सॉल्यूशन लेके लगा सकते हो, सॉल्यूशन से बढ़िया से चिपका सकते हो ताकि ये आपका जो पेपर रोल्स का जो पैटर्न तैयार हो रहा है वो मजबूती से बने। अपनी क्रिएटिविटी दिखा के आप इसमें कलरफुल पेपर यूज कर सकते हो और अपना बड़ी पेपर क्राफ्ट बना सकती हो। ये अपना ये पेपर रोज क्राफ्ट तैयार हो रहा है। इसमें थोड़ी सी हवा का प्रेशर भर देना है ताकि ये फूल जाए। इस तरह से फूल जाएगा। ये फूल जाने के बाद हमने ये इस तरह का ये छोटी सी ये बना देनी है, पेपर की डंडी सी बना देनी है या छोटी सी रोड सी कह लो। ये बढ़िया से हमने बना दिए इस तरह का। उसके बाद इसको पहले फोड़ ये मार देना है, एक फोड़ ये मारना है कि गुलाब की पंखुड़ी को, दूसरा फोड़ ये मारना है और तीसरा फोड़ ये मारना है और चौथा फोड़ ये मारना है। अपने ये गुलाब की पंखुड़ी फूल की तैयार हो गई है जो पेपर क्राफ्ट की है। और ये हमने ये छोटी सी जो रॉड बनाई थी, रॉड की इसमें या स्टिक क्या लो, इसमें फिक्स कर देनी है। ये अपना ये पेपर क्राफ्ट रोज तैयार हो गया है। ये पेपर क्राफ्ट रोज तैयार हो गया है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखा के आप लिए इस तरह के पेपर क्राफ्ट वीडियो और छोटे छोटे ऐसी क्लिप बना के लाता रहूँ। धन्यवाद।